हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटी व्लॉग्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटी व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और संडे है आज, पिजन मार्केट में आया हूँ मैं, चिटकोहरा बाज़ार, पटना बिहार। ये पिजन मार्केट संडे को लगती है और थर्सडे को लगती है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग संडे को आइए और सुबह 9:30 बजे करीब आइए और 12 बजे तक ये मार्केट ख़त्म हो जाती है। 12 बजे के बाद नहीं आइए, सुबह में ही मार्केट लगती है और अच्छे जानवर जो हैं वो सुबह में रह मिलेंगे। अच्छे जो जानवर हैं, अच्छे जो परिंदे हैं वो आपको सुबह में देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये चिटकोहरा बाज़ार है, उधर से आने का रास्ता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में, पहले के वीडियो में यहाँ के लोकेशन का डिटेल्स है, डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि आपको कैसे आना है। आप लोग देख सकते हैं ये जो मंडी है, पहले ये मार्केट है, उधर लगती थी वो उधर की तरफ, और इधर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पर अब लगना शुरू हो गई है। पहले 10 लोग 15 लोग आते थे बस, अब देखिए कि 50-100 के संख्या में लोग हैं। लोग की तादाद जो है वो बढ़ रही है और हर उम्र के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। शौकीन जो हैं कबूतरबाजी के, कबूतर पोसने के, वो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आइए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको जानवर दिखाते हैं, परिंदे दिखाते हैं आज के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक मेरा भाई है, वो परिंदा ले गया है। ये दिखाओ भाई जानवर अपने। ये परिंदा इस भाई के हैं, ये 3 जान परिंदे हैं और 3 कबूतर हैं। क्या नस्ल है बाबू? छाप है भैया, 2 रंगीन है। छाप है और दो रंगीन है। कितने में दे रहे हो फाइनल? फाइनल 600 रुपया भैया। फाइनल 600 रुपया, मतलब ये 200 रुपये पीस, ठीक है। तो इस भाई के कबूतर हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ भाई? करण। करण भाई, आप कबूतर की क्वालिटी चेक करें, आप बताइए। हमको तो काफ़ी खूबसूरत कबूतर लग रहे हैं। एक बाहर निकाल के दिखाओ ना बाबू, ये बीच वाले दिखा के दिखाओ बाहर। ये कबूतर है, इसकी आप आँख देखें, पीले आँख में आ रही है और काफ़ी खूबसूरत कबूतर है ये। हमको काफ़ी पसंद आया। ये गोला में आएगा या आप इसको क्रॉस समझ लीजिए, लेकिन खूबसूरत कबूतर है और 200 रुपया इसकी डिमांड है, भाई ने किया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कबूतर कैसा खूबसूरत है। खूबसूरत जो कबूतर होता है वो सबकी पसंद होती है। लोग अगर गोला भी पोसते हैं या जंगला भी पोसते हैं तो चाहते हैं कि खूबसूरत जंगला जो रखें वो घर पर। बाकी ये कबूतर भी इसे खूबसूरत हैं। काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारा, काफ़ी अच्छा लगा भाई तुम्हारा शौक देख करके। और घर पे और भी कबूतर है तुम्हारे पास? यस भैया, और भी है। और भी कितने कबूतर है तुम्हारे पास? अभी घर पे 50-60 कबूतर है। 50-60 कबूतर घर पे भी है, तो हमेशा आते हैं चिटकोरा बाज़ार में। शिराजी है, फैंसी कबूतर का शौक है। बाजार देख रहा है ना, चिटकोरा में है। चिटकोरा में बाजार ही नहीं है, कबूतर ले जा रहा है आदमी, किन के ले जा रहा है, कुछ रेट में बेच रहा है, कुछ रेट में। अब तो जंगला गोला है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? बात यही है कि जो भी हम लोग अभी पोस रहे हैं जी, ले जा रहे हैं 1000 रुपये 500 रुपये पीस जी, और ला रहे हैं तो मेरा 200-250 200-250 और ले जा रहे हैं तो 1000 रुपये पीस, क्योंकि वो शौक में ले जा रहे हैं, जब बेचने आ रहे हैं तो उसका पैसा ही नहीं मिल रहा। सही चीज़ क्या मैंने गलत मादा, वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। हाँ, इसकी वजह क्या हो सकती है? एक बात बताइए कि यहाँ इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे कि यहाँ पर कोई बीच वाला पार्टी तो है नहीं, जैसे कि यहाँ पर खरीदार हैं और बेचने वाले हैं, बेचने वाले, ठीक है, कोई दुकानदार तो है नहीं, है नहीं। तो जो आप जैसे खरीदते हैं महंगा में और बेचते भी तो आप हैं, लेकिन जब बेचते हैं उतना वैल्यू नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। आप क्या लगता है क्या वजह होगी? वजह यही है कि हम लोग जो मंडी था पहले अस्थायी, अभी अनस्थायी हो गया। अब हम लोग जैसे कि यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पर जो भी सामने वाले मकान वाले हो गए या जो भी जाने वाले राही हो गए कुछ भी बोल देते हैं, इस टेंशन में आते हैं लोग, जो मिलता है देखे निकलना पड़ता है, और कोई वजह नहीं। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है आप लोग? प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर जो जाल में करके कबूतर बेचता है वो भी बेचते हैं, जो लोग वो लोग भी सस्ते में खरीदते हैं उसका दुगना दाम में बेचते हैं,
जो गलत होता है थोड़ा। आइए अंदर चल के कबूतर देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर छोटे छोटे शॉकिंग देखिए आप लोग। देखिए सब क्वालिटी चेक कर रहे हैं, सब उस्ताद हैं, छोटे उस्ताद। क्या क्या उम्र हो रही है भाई तुम लोग? सब 8, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं। ये कबूतर चेक करें आप, कलसीरा कलियां कबूतर है। ये इन भाई का है, भाई कबूतर लें। ये कितने में दीजिएगा फाइनल? 200 में मिल जाएगा। मादा है ये, मादा कबूतर है। और एक अच्छा कबूतर दिखाइए, ये क्या है? मदीन। क्या इसमें? ये गिरबाज है, चांद गिरबाज चांद है। यहाँ पर कुछ कबूतर है, यहाँ पर कबूतर है, कुछ गिरबाज कबूतर है और कुछ जंगली है। इनका रेट पता करना है। अरे भैया पैसा ले बा। गिरबाज जो है इसमें 500 और 1000 रुपए का, और बाकी जो जंगला है वो 200 रुपए 300 रुपए का है। यहाँ पर भैया हैं जो कि रिंग लेके आते हैं, तो आपको इस मार्केट में अगर रिंग भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग देखें ये कितने का, ये पूरा पैकेट है, ये 500 का पूरा पैकेट है। 100 पीस है इसमें, 100 पीस है और 50 पेयर। ये क्वालिटी चेक करें, जिसको सिंपल में रिंग चाहिए उसके लिए सिंपल। ये कितने का भैया? 150 का। ये 150 का, ये इसमें कितना पीस है? सब में 100 पीस, सब में 100 पीस रहता है। 150 का देखिए आप। ये 300 का पैकेट आता है और 15 रुपये जोड़ा। किसी को सिंगल भी चाहिए तो 15 रुपये जोड़ा में मिल जाएगा, और आपको अगर पैकेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जब कबूतर पहन के इसमें चलता है तो एकदम छन छन की आवाज़ आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको भी शौक़ है अपने कबूतर को रिंग पहनाने का तो इस मार्केट में अवेलेबल है। ये सिंपल में रिंग देखिए, 100 रुपये का 100 पीस। अगर सिंपल में चाहिए हल्का में, हल्की क्वालिटी में, तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। भैया एक बार अपना नंबर बोल दीजिए ज़ोर से। हाँ, तो खुदरा में भी ये जो गोल्डन रिंग है वो अवेलेबल है, और 25 रुपये जोड़ा है ये देखिए। तो भैया एक बार अपना नंबर बोल दीजिए। 7992 32 91 64। तो भैया के नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में आ करके भैया से संपर्क करके ले सकते हैं। अगर आपको होलसेल में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बल्क में चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है इनके पास। आपको कबूतर दिखाते हैं यहाँ के। छोटे बच्चे चाहिए होते हैं तो छोटे बच्चे भी अवेलेबल हैं। देखिए कोमर है वहाँ पर, गिरबाज है, ये काफ़ी अच्छा लगा हमको गिरबाज, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत पुरानी नस्ल में, पुराने खून में रामपुरी कबूतर है, देखिए आप। और इसकी क्या डिमांड है भैया? 500 रुपये। इसकी 500 रुपये डिमांड है इस नर की, देखिए। लेकिन चीज़ क्वालिटी वाली है और बच्चे अच्छे निकालेगा। हेवी कबूतर है, उड़ान वाला है देखिए। जो लोग शौकीन है, जानने वाले हैं, वो पहचान सकते हैं इस कबूतर को देख करके कि क्या क्वालिटी है। ये रामपुरी जिरह देखें आप, सहारनपुरी, सहारनपुरी जिरह ना। हाँ देखिए, सब ये सब जो कबूतर है वो 500 रुपये में अवेलेबल रहता है, थोड़ा कम हो जाता है। आप लोग इस मार्केट में आइए, यहाँ अच्छे क्वालिटी के कबूतर अवेलेबल रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़राब क्वालिटी का रहता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का कबूतर आकर के यहाँ सेल आउट होता है।